छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, पूर्व बीजेपी विधायक नीलिमा टेकॉम का निधन। लंबे समय से थी अस्वस्थ। डंडीलोहारा राज परिवार की बहू की मौत से राजनीतिक जगत में शोक की लहर। बालोद जिले के डंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक व राज परिवार की बहू नीलिमा टेकॉम का बुधवार को आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। नीलिमा टेकॉम को साल 2008 में पहली बार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था, जिसमें जीत दर्ज कर वे विधायक बनी थी। इससे पहले वे अविभाजित दुर्ग के समय भूमि विकास बैंक की जिला उपाध्यक्ष भी रहीं। 2009-10 में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति एवं शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति की सदस्य रहीं। इसके बाद नीलिमा टेकॉम को 2011 में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति एवं समन्वय प्रयोजन समिति का सदस्य बनाया गया। नीलिमा टेकॉम लंबे समय से बीमार थी। उन्हें डायबिटीज समेत कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं थी। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बुधवार सुबह डंडीलोहारा शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नीलिमा टेकॉम का जन्म 1 अगस्त 1970 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के सरखा ग्राम में हुआ था। उनकी शादी लाल महेंद्र सिंह टेकॉम से 20 सितंबर 1990 में हुई थी, जो डंडीलोहारा के राजा साहब कहे जाते थे। 2 साल पहले ही नीलिमा टेकॉम के पति और पूर्व विधायक राजा लाल महेंद्र सिंह टेकॉम का निधन हुआ था। उनका निधन भी बीमारी के कारण हो गया था। महेंद्र सिंह टेकॉम भी 2003 में बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। 2008 में बीजेपी ने उनकी पत्नी नीलिमा टेकॉम को टिकट दिया था। नीलिमा टेकॉम के बड़े बेटे लाल गजेंद्र सिंह टेकॉम का निधन पति के निधन के ठीक 1 साल पहले हो गया था। पति और बेटे की मौत के बाद से नीलिमा अवसाद में चली गई थी। उन्होंने लोगों से भी मिलना जुलना कम कर दिया था।